हेलो फ्रेंड्स, हमें कौस्तव स्वागत जाना अपन हमारे यूट्यूब चैनल प्लैंड एंड लाइफ। तो आज के एरिडियम तो प्रथम गाछटी मटी थे बार कर धीरे धीरे आस्ते आस्ते नड़ाते नड़ाते देखो फ्रेंड्स हमें बार कर नहीं आशा करी देखते तो बार करार पर हमें ये रूट्स के भलो क्लिन कर नहीं खानिक शुकोते रखब एवं तरपर ये बोनसाई लुक देवर जो रूटटा के रेखे दिए आपन ये काट कर देव। तो आगे ये शुकिए जा बस तो रूटटा के क्लिन कर जल दिए शुकिए नेवार पर ये आर बोनसाई लुक देव। बोनसाई लुक देर जो हमें ये रूटटा के रखब रूटटा के रेखे एखान दिए हमें काट करब जैसे रूटटा चार दिक दिए स्प्रेड कर सुंदर बोनसाई लुक दे। तो आगे अपन धारालो छुरी रखबे एवं छुरीटा के स्टारलाइज करार्जन आपनारा फ्लेमे यूज करते अथवा अपनी हाइड्रोजन पारक्साइड यूज करते हमें फ्लेम दिए ही करब। तो ये छुरीटा के स्टारलाइज करते हैं जैसे जीवाणुमुक्त हो जाए। छुरीटा ठंडा करते हैं पड़े काट करते हैं। काट करार पर आपनी जदि ये पुते देवें तो ये गाछटा मरे जाए तार जोन्नो केयार आछे। तो प्रथम आपनादेर ये मधु यूज करते हैं ठीक है। तो हमें मधु यूज करब मधु ये नेब एटार ओपर सार्फेसटार ओपर काटेड सार्फेसटार ओपर दिए देव एवं ये तो पीपड़े हो जो पे सब गाछटार क्षति हो तुम्हें देखो टारमारिक पाउडार रेखे टारमारिक पाउडार हमें यूज करब ये आशा कर देखते टारमारिक पाउडारे बदले अपना सिनेमन पाउडार यूज करते अथवा कस्टी खावा सोडा बेकिंग सोडा जेटे बोले सेटा आपनारा यूज करते पारें। तो आमि आपात टार्मेरिक पाउडार यूज करछि। तो एइभाबे करार पर एटाके तीन थेके चार दिन आपनादेर ड्राई आउट करार जोन्नो रेखे दिते होबे कोनो शेडी एरियाते। एटा जोदि तीन थेके चार बदले पाँच थेके छ दिनो करते पारें आपनारा। तो एइभाबे किछुदिन रेखे दिते होबे। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो छ दिन केटे गेछे एटा छ दिन धरे ड्राई आउट होयेछे। तो एखन एटार एई परिस्थिति जोगोरी देखते पाच्छेन। तो एबार आमि एटाके आमार निजेर तैरि बोनसाई पटे लागाबो। तो तार जन्य हमें एर बटम यूज करब कोको कयार जाते जल बेरिए जाए बाट माटी बा बाली तार संगे बेरिए ना जेते पारे। एर उपर आमि किछु ईटेर टुकड़ो ब्रिक चिप्स यूज करे नेब
ব্রিক চিপ ইউজ করবো এর মধ্যে। তারপরে আমরা স্যান্ড অ্যাপ্লাই করব। এভাবে এবার আমরা আমাদের গাছটিকে এর উপর বসাবো। তার আগে আমরা এই যে বালু মাটি ইউজ করব। ফ্রেন্ডস, আমরা এই বালু মাটি এর উপর ইউজ করব। এর উপর একটা এই বালু মাটির একটা লেয়ার করে দেবো এভাবে। এইবার আমরা আমাদের গাছটিকে রাখবো এবং তারও চারদিকে মাটি দিয়ে দেবো। এভাবে দিয়ে দেবো এবং আমরা চারদিকে এই গ্যাপটা ফলো করবো এতটা মতো। এই 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি হবে, যাতে আমি জল দিতে পারি। এবার আমি ওয়াটারিং করে দেবো একটু পরে। তো আপনারা দেখলেন কীভাবে একটা অ্যাডেনিয়ামকে থাইসকো লুক দেওয়া যায়। থাইসকো লুক দেওয়ার জন্যই আমি ওই রুটটাকে কাট করেছিলাম। এবং এবার যে রুটটা স্প্রেড হবে এটা চারদিক দিয়ে স্প্রেড করবে। তো আজকে এই পর্যন্তই ফ্রেন্ডস। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, গুড বাই।